हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शेरन स्टेसी। तो आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ हेलोवीन मेकअप। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है आज। तो अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में कि मैं ये ट्यूटोरियल बनाऊं या नहीं बनाऊं। फिर मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, मेकअप तो मैं कर रही हूँ। फिर मैं मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन अप्लाई करने लगी हूँ अपने फेस पे, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में उसका रिव्यू दिया था। और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और देखें इसका बिल्कुल नेचुरल सा रिज़ल्ट है। सो इसके बाद मुझे बिल्कुल ही नेचुरल लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अलावा एक और बीबी क्रीम यूज़ की, जो कि एकदम एकदम लोकल थी। वो लोकल बीबी क्रीम मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं ये सब ऐसे उल्टे पुल्टे काम करती रहूं। सो ये जब मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे डाली तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि ये हेलोवीन नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, ये है वो है। मैंने बस मेकअप किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों लोग आ जाते हैं, इतने फारिक लोग होते हैं कि बैठ के यही सोच रहे होते हैं कभी कोई उल्टा काम करे और आके इसको बातें करें हम। तो ये वही सस्ती बीबी क्रीम है, ये मुझे 100 रुपये में मिली थी और बहुत ज़्यादा है। और वो दुकानदार ने मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि बाजी ले लें ले लें ले लें, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती थी। फिर भी वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था तो मुझे लेनी पड़ी। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैंने अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसी जब वीडियोस बनानी होती तो ये चीज़ें काम आती हैं। और ये देखें अब मैं बिल्कुल भूतिया लग रही हूँ। ये फाउंडेशन लेने का मकसद ये है कि अगर आपको भूतिया मेकअप करना है तो आप ज़रूर ज़रूर ये ले लें। ये वैसे मैंने गोल्ड मार्क से परचेज़ की थी। आपके यहाँ कोई भी लोकल मार्केट हो तो आपको भी वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी ये। सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ आपने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी नहीं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। तो यहाँ मैं थक गई थी तो मैंने सोचा चलो इतना ही काफ़ी है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैंने ग्लैमरस फेस पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था। बस कर दे बहन, मैंने कहा है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ इस बाजी के लिए तालियां, क्योंकि ये मेरी बात मान चुकी हैं इस टाइम। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ ग्लैमरस फेस पाउडर। सो पता तो चल नहीं रहा, बट फिर भी क्या करें, लगाना पड़ा। तो यहाँ आपने फेस पाउडर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है ताकि कोई भी ऐसा पार्ट ना रह जाए, कोई भी ऐसा पार्ट। बस मैंने तो फेस पे ही किया था, पर फेस पे भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहना चाहिए। सो इसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। ये ऑरेंज सा आई शेडो था, ये मुझे अप्लाई करना था। सो यहाँ मैं क्रिएट करने लगी हूँ अपने ब्राउज, इनको मैं थोड़ा और ब्रॉड करूँगी, मतलब थोड़ा नहीं बहुत, काफ़ी 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 हद तक करूँगी।
मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं ईच एंड एवरी स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगी और आपके सामने पूरा मेकअप करूंगी। सो प्लीज़ गाइस, आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और इसे इंजॉय करना है। आईब्राउज तो यहाँ तक हो चुके हैं, अब मैं क्रिएट करूँगी अपना थोड़ा सा आई शेडो लगाऊँगी ताकि अपनी आईज में ब्लैक कर लूँ, उसके बाद देखिएगा कमाल। सॉरी आई शेडो नहीं, यहाँ मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मुझे प्योर ब्लैक लगे। और आई डोंट नो यहाँ पे क्यों इतना लाइट लग रहा है, शायद फ्लैश लाइट में लग रहा है, रिंग लाइट में, लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा ब्लैक था, लाइट की वजह से इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं लग रहा। सो यहाँ इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा और एनहेंस हो जाए। तो जहाँ तक मैं चाहती थी वहाँ तक आई शेडो अप्लाई हो चुका है, इसके बाद मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ।
अब मैं सेकेंड आई क्रिएट करने लगी हूँ उसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप्स लिए हैं, अगेन वैसे ही मैं करने लगी हूँ दूसरी आई का। यहाँ मुझे देख के अपने आप को लगा कि वाकई जो मैं करना चाह रही हूँ वो हो रहा है। मिशन सक्सेसफुली डन। तो यहाँ मैं वही ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपनी आईज़ पे अप्लाई किया था। मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि रियल सलूक आए इसके ब्लैक बॉर्डर्स पे। मैं ये ऑरेंज शेड अप्लाई कर रही हूँ, देखें इसे लगाते ही कितना अच्छा नेचुरल सा लुक आ रहा है। मुझे तो लगता है भूत ऐसे ही मेकअप करते होंगे। सेम वही स्टेप दूसरी आई पे भी वैसे ही अप्लाई करना है। देहन में पान लगी हैं, हाश में कज्जल कज्जल पान लगी हैं अखा चे। अब मैं हाइलाइटर लेके इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी ताकि ये भी थोड़ी प्रोमिनेंट हो, हाईलाइट हो जाए। अब मैं सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोच लिया लिपस्टिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। अगर एकदम से देखो तो लगेगा मूछें हैं मेरी। अब मैं अप्लाई करूंगी रेड लिपस्टिक।
तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहाँ तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय। Thank you.